एवरीवन, आज के हमारे वीडियो में हम बात करने वाले हैं चेक बाउंसिंग के बारे में। तो जब भी किसी का चेक बाउंस होता है उस समय क्या स्टेप्स लेने चाहिए, इसी के बारे में हम आज के वीडियो में समझेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चेक के बारे में कि ये चेक होता क्या है। तो ये जो चेक होता है ये रिटर्न प्रॉमिस होता है जो कि वो पर्सन जो कि चेक लिख रहा है वो करता है दूसरे पर्सन को कि मैं ये स्पेसिफाइड अमाउंट आपको दूंगा। और ज़रूरी नहीं है कि ये जो चेक है वो हमेशा दूसरे पर्सन के लिए ही लिखा जा रहा हो, आप खुद के लिए भी खुद के नाम पर भी चेक काट सकते हो, यानी आप खुद ही अपना चेक लिख के अपने अकाउंट में डलवा सकते हो। तो बेसिकली ये चेक क्या करता है, ये अपने बैंक से कहता है कि आप इतना अमाउंट जो है वो डिडक्ट करके मेरे अकाउंट से डिडक्ट करके इस पर्सन को दे दीजिए। तो जब भी हम बैंक को वो चेक देते हैं तो वो बेसिकली क्या कह रहा होता है उस बैंक को कि ये जो अमाउंट है जिस भी पर्सन ने ये जो चेक लिखा है इतना अमाउंट उसके बैंक से डिडक्ट करके जिसके लिए लिखा गया है उसके बैंक में डाल दीजिए, उसके अकाउंट में डाल दीजिए। तो ये चेक बेसिकली एक प्रॉमिस होता है, एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, एक रिटन प्रॉमिस होता है। एंड देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ चेक्स जैसे कि ऑर्डर चेक, क्रॉस चेक, बेयरर चेक एक्सेट्रा। और इस चेक के अंदर तीन पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। पहला तो होता है इश्यूअर ऑफ द चेक जिसे हम ड्रॉअर कहते हैं, यानी वो पर्सन जो कि इस चेक को लिख रहा है, जो कि इशू कर रहा है। सेकंड इज पे या फिर होल्डर ऑफ द चेक जिसे चेक दिया जा रहा है। और थर्ड होता है बैंक जो कि होता है ड्रॉई। अब आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि चेक के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिसे भरनी होती हैं, जैसे कि किसको दिया जा रहा है, किसके नाम पे चेक काटा जा रहा है, क्या अकाउंट नंबर है, वगैरह वगैरह। लेकिन एक चीज़ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है सिग्नेचर। तो जो भी पर्सन चेक लिख रहा है उसका सिग्नेचर होना चाहिए क्योंकि उसी के अकाउंट से वो अमाउंट डिडक्ट होने वाला है। तो बैंक के लिए वो सिग्नेचर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर वो सिग्नेचर थोड़ा भी मिसमैच होता है तो फिर जो बैंक है वो उतना अमाउंट डिडक्ट नहीं करेगा, उस चेक को कैंसिल कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। तो इसीलिए ज़रूरी है कि जो भी पर्सन इशू कर रहा है चेक को वो अपना जो सिग्नेचर है वो मैच करे विद हिज बैंक रिकॉर्ड्स। और अगर आपका जो सिग्नेचर है वो आपके बैंक रिकॉर्ड से मैच नहीं होता, वो मिसमैच्ड है, तो उस केस में जो बैंक है वो आपके ऊपर फाइन लगा सकता है। इनफैक्ट पेनल्टी भी इम्पोज की जा सकती है अगर जो बैंक है वो डिसाइड करता है टू रिटर्न योर चेक। तो इसीलिए जब भी आप अपना चेक लिख रहे हैं प्लीज़ मेक श्योर कि जो भी डिटेल्स आप फिल कर रहे हैं वो सही है, स्पेशली द सिग्नेचर। क्योंकि अगर आपका जो सिग्नेचर है वो आपके बैंक रिकॉर्ड से मैच नहीं होता है तो ये आपके लिए ही प्रॉब्लम हो जाएगा क्योंकि जो बैंक है वो आपके ऊपर फाइन इम्पोज कर सकता है। अब सिर्फ सिग्नेचर ही एक चीज़ नहीं है, जब भी कोई भी अगर कस्टमर है या जो भी पर्सन है जिसे ये चेक दिया जा रहा है, जिसके नाम पर ये चेक काटा जा रहा है, जब भी वो ऐसा चेक लेता है तो उसे काफ़ी सारी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए क्योंकि यही हमें हेल्प करेगा इन प्रिवेंटिंग बाउंसिंग ऑफ चेक्स। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि सबसे पहली चीज़ जो कि कस्टमर को ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है कि उसे इंश्योर करना चाहिए कि उस चेक के ऊपर CTS 2010 लिखा है। तो ये जो CTS 2010 चेक्स होते हैं ये यूज़ करते हैं चेक ट्रंकेशन सिस्टम, जिसका शॉर्ट फॉर्म है CTS। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि क्लियर करता है चेक्स को इलेक्ट्रॉनिकली इंस्टेड ऑफ फिजिकली। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसे 2010 के अंदर स्टार्ट किया था ताकि चेक क्लियरेंस का जो प्रोसेस है उसे स्पीड अप किया जा सके। सेकेंड चीज़ जो ध्यान में रखने की है वो ये है कि जब भी आप किसी से चेक ले रहे हैं प्लीज़ मेक श्योर कि जिस इंक से उन्होंने उस चेक पे डिटेल्स भरी हैं वो इमेज फ्रेंडली इंक्स होनी चाहिए, यानी वो रेड और ब्लू रिफिल से ही लिखी हो, रेड और ब्लू इंक से ही लिखी हो। अगर वो ग्रीन या फिर रेड इंक यूज़ कर रहे हैं तो वो प्रॉब्लम है क्योंकि ये इमेज फ्रेंडली इंक नहीं है। सो व्हेनेवर यू आर एक्सेप्टिंग एनी चेक प्लीज़ मेक श्योर कि रेड और ब्लू इंक की उसके ऊपर यूज़ हुई है। देन यू शुड अवॉइड एनी काइंड ऑफ अल्टरकेशंस और करेक्शंस वंस यू हैव रिटन द चेक, यानी चेक के ऊपर जो भी डिटेल्स भरी गई है वो एकदम प्रॉपरली रिटन होनी चाहिए, उसके अंदर कहीं भी काटा पीटी नहीं होनी चाहिए, कोई भी करेक्शंस नहीं हुए हैं कि अगर नाम गलत लिख दिया तो वहीं पर जो है नाम काट के जो गलत नाम था फिर उसके बाद सही लिखने लगे। इट्स बेटर कि अगर कुछ गड़बड़ है, कुछ भी गड़बड़ हुई है, तो इट्स प्रेफरेबल कि आप एक नया चेक यूज़ करें। इसका रीज़न ये है कि जब इस चेक को क्लियर किया जाता है तो इट इज़ डन थ्रू इमेज बेस्ड क्लियरिंग सिस्टम। तो इस तरीके से अगर करेक्शंस हुए हैं, कुछ भी काटा पीटी हुई है, तो उस केस में क्या है कुछ गड़बड़ हो सकती है या फिर आपका चेक जो है रिजेक्ट भी हो सकता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
जो भी पर्सन उस चेक के ऊपर साइन कर रहा है, सिग्नेचर कर रहा है, दे शुड मेक श्योर, ही और शी शुड मेक श्योर कि वो जो सिग्नेचर है वो उनकी बैंक डिटेल्स के अंदर जो सिग्नेचर है उससे मैच हो, क्योंकि अगर मैच नहीं होगा तो फिर ये जो चेक है ये क्लियर नहीं हो पाएगा। तो ये कुछ बातें थी, जब भी जो कस्टमर है, जो भी पर्सन है किसी चेक को एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये सभी डिटेल्स जो हैं वो ध्यान में रखें, क्योंकि अगर इसमें से कुछ भी गड़बड़ है तो वैसे भी आपका जो चेक है वो रिजेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब हम बात कर लेते हैं चेक बाउंसिंग के बारे में कि चेक बाउंस कब होता है। ज़रूरी नहीं है कि जितने भी रीजंस बताए जाते हैं सभी केसेस में जो चेक बाउंस हो रहा है वो क्रिमिनल रीजंस हैं। देयर आर सर्टेन रीजंस जो कि क्रिमिनल हैं, क्योंकि अगर सपोज़ कीजिए उन्होंने इंक ऐसे यूज़ कर रखी है या फिर कुछ काटा पीटी कर रही है, कुछ करेक्शंस किए हैं, तो उस केस में अगर आपका चेक रिजेक्ट हो रहा है तो वो कोई क्रिमिनल रीज़न नहीं है, ये कोई क्राइम नहीं है। लेकिन अगर आपके अकाउंट के अंदर सफिशिएंट फंड्स नहीं है, पैसे नहीं है, या फिर चेक का जो पेमेंट है, चेक का जो क्लियरेंस है वो बैंक ने रोक रखा है ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द पर्सन जिसने ये चेक लिखा था, जिसने ये चेक बनाया था, तो उस केस में ये जो रीजंस हैं ये क्रिमिनल रीजंस के अंदर आएंगे, इसे क्राइम माना जाएगा। तो अगर आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपका जो चेक है वो बाउंस हो गया है, तो उस केस में क्या किया जाएगा, क्या क्या स्टेप्स लिए जाएंगे, उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक डिमांड नोटिस भेजना होगा टू द मेकर ऑफ द चेक, यानी जिस पर्सन ने ये चेक लिखा था, बनाया था, उसे एक नोटिस भेजा जाएगा कि वो ये जो अमाउंट है जो भी स्पेसिफाइड है वो उन्हें पे करे अलॉन्ग विद द चेक रिटर्न मेमो जो आपने रिसीव किया है फ्रॉम द बैंक, एंड दिस इज नोन एज डिमांड नोटिस। तो ये जो डिमांड नोटिस है इसे आपको 30 डेज के अंदर अंदर भेजना पड़ेगा, यानी जिस दिन से आपको पता चला है कि आपका जो चेक है वो बाउंस हो गया है उस दिन से 30 डेज के अंदर अंदर ये जो नोटिस है, ये जो डिमांड नोटिस है वो आपको भेजना पड़ेगा किसके पास, टू द मेकर ऑफ द चेक, यानी जिसने ये चेक लिखा था उसे ये नोटिस भेजना होगा, इसे हम कहते हैं डिमांड नोटिस। अब जब आपने नोटिस भेज दिया है उसके बाद किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, ड्रॉअर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ड्रॉअर कौन है, वो पर्सन जिसने ये चेक लिखा था, यानी मेकर ऑफ द चेक वो पर्सन जिसने इस चेक को इशू किया था। अब उसे क्या करना होगा, जैसे ही उसने इस डिमांड नोटिस को रिसीव किया है उसे 15 डेज के अंदर अंदर आपको ये पैसा देना पड़ेगा। और अगर जो ड्रॉअर है वो आपके नोटिस का रिप्लाई भी करता है और साथ साथ 15 डेज के अंदर अंदर पेमेंट भी करता है, तो उस केस में आपका मामला सॉर्ट है, क्योंकि आपको आपका पेमेंट मिल गया है और केस फाइल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर जो ड्रॉअर है उसने नोटिस का रिप्लाई तो किया है मगर पेमेंट नहीं किया है, तो उस केस में क्या होगा, आप एक क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं इन द कोर्ट विद इन 30 डेज, यानी जिस दिन से भी आपका 15 डेज का जो पीरियड है जो कि ड्रॉअर को दिया गया था वो ख़त्म होता है, और उसके ख़त्म होने के बाद ड्रॉअर ने रिप्लाई तो किया है लेकिन आपका पेमेंट नहीं किया है, तो उस दिन से 30 डेज के अंदर अंदर आपको एक क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करनी पड़ेगी। और अगर जो ड्रॉअर है ना तो उसने आपका रिप्लाई किया है ना ही पेमेंट किया है, तो उस केस में भी आपके पास 30 डेज होंगे कि आप जो है एक क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं इन दी कोर्ट। और अगर आप क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल नहीं करना चाहते, सिर्फ अपना मनी रिकवर करना चाहते हो, तो उस केस में आप सिविल केस भी फाइल कर सकते हो। तो जिस दिन से भी आपका जो चेक है वो बाउंस हुआ है उस दिन से आपके पास 3 साल हैं टू फाइल अ सिविल केस, ताकि आप जो अपना पैसा है उसे रिकवर कर सको जो कि आपका ड्यू है। तो हम देख सकते हैं कि चेक बाउंसिंग का जो क्राइम है ये सिविल भी है और क्रिमिनल भी। तो अगर आप सिर्फ अपना जो मनी है वो रिकवर करना चाहते हो तो उस केस में आप एक सिविल केस फाइल कर सकते हो, और अगर आप ये चाहते हो कि जो भी ड्रॉअर है यानी जो भी इश्यूअर है उस चेक का, जिसने उस चेक को लिखा था जिससे आपको पैसे लेने थे, कि उसे पनिशमेंट भी मिले, तो उस केस में आप एक क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। और इन दोनों ही केसेस में जो प्रोसीडिंग्स हैं वो डिफरेंट केसेस की तरह चलेगी, तो आप चूज़ कर सकते हो कि आप सिर्फ सिविल कंप्लेंट फाइल करना चाहते हो या क्रिमिनल कंप्लेंट, या फिर अगर आप दोनों ही केसेस फाइल करना चाहते हो यानी सिविल भी और क्रिमिनल भी, तो भी आप साइमल्टेनियसली ऐसा कर सकते हो। तो सिविल सूट में जो रेमेडी है इट इज़ रीपेमेंट ऑफ द चेक, यानी जो भी अमाउंट आपका ड्यू है वो आपको मिलेगा अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। और अगर क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल की गई है तो उसे जेल हो सकती है अप टू 2 years एंड अ फाइन ऑफ अप टू 2x द अमाउंट ऑफ चेक। सो दिस वॉज ऑल अबाउट चेक बाउंसिंग। आई होप दिस इंफॉर्मेशन वॉज हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू फॉलो न्याय एंड डू जॉइन अस अगेन फॉर मोर ऑफ इंडियाज लॉस एक्सप्लेन्ड।